हाँ मैंने रेप किया। सूरत रेप केस में नारायण साई का सनसनीखेज कबूलनामा। पुलिस का दावा, नारायण साई ने कबूला सारा गुनाह। सिर्फ बलात्कार नहीं, अवैध संबंधों की बात भी मानी। मैंने 8 महिलाओं से बनाए संबंध। नारायण साई ने जमुना से रिश्ते को भी कबूला। पुलिस से नारायण साई ने कहा, जमुना का बेटा मेरा ही बेटा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, नारायण ने मीडिया के सामने क्यों कहा, सूरत की पीड़िता से नफरत नहीं करता? क्या यह है नारायण की नई चाल? क्या नारायण के कबूलनामे के पीछे है कोई नया पैंतरा? खुद को कृष्ण बताने वाले साईं के 7 दिन के 7 रास। जो कल तक खुद को भगवान बताने से भी बाज नहीं आते थे, भक्तों के सामने धर्म कर्म की बड़ी बड़ी बातें करने वाला नारायण आज खुद अपने गुनाहों के कटघरे में खड़ा है और उसके सामने है उसकी पाप लीला का दंश झेल चुकी वो पीड़ित जिसने नारायण पर बलात्कार का आरोप लगाया। निर्णय कपूर और शैलेश टांपानेरिया की रिपोर्ट में देखिए कैसे नारायण अपने ही जवाबों में उलझते चले गए। हाँ मैंने रेप किया। नारायण साई का यह वो कबूलनामा है जिससे सूरत की पीड़ित के भीतर इंसाफ की आस जागी। हाँ मैंने रेप किया। नारायण साई का यह वो कबूलनामा है जिसका पिछले 2 महीने से इंतजार कर रही थी सूरत पुलिस। 58 दिनों तक पुलिस से लुका छुपी का खेल खेला। पकड़े जाने के बाद 5 दिन तक अपनी जुबान नहीं खोली। आखिरकार 6 दिन नारायण साई ने कबूल कर ही लिया कि उस पर लगे बलात्कार के आरोप 100% सही हैं। सूरत पुलिस का दावा है कि नारायण साई का यह कबूलनामा इतना आसान नहीं रहा। 5 दिन तक पुलिस के 100 से ज्यादा सवालों को टालता रहा था नारायण साई। पुलिस अपने सवालों में उलझाती और नारायण उससे बच निकलता। 6 दिन पुलिस ने नया दांव खेला। नारायण साई के सामने पीड़ित को बिठाया। हम दोनों को जब आमने सामने लाया गया तब मतलब वो चौंक गया था बिल्कुल और बस देखता ही रहा था। 7 घंटे तक सवालों का दौर चला। पुलिस की माने तो इसी पूछताछ में नारायण का एक एक झूठ बेपर्दा होता गया। जब कन्फ्रंट कराया इसका मतलब ये है कि शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ चीजें छुपाने की कोशिश की थी। अब इन कन्फ्रंटेशन के बाद ये चीज जाहिर हो गई है कि वो जो एलिगेशन उनके अगेंस्ट में FIR में है वो सही है। और FIR में जहाँ से मैंने जो लिखवाया है कि सूरत आश्रम में मुलाकात हुई फिर वहाँ से हम लोग कहाँ हमको ले जाया गया वो पूरा वही FIR पे ही पूरी पूछताछ हुई है कि सूरत में जो बना फिर काठमांडू गए थे वो पूरे उसमें उसी रिलेटेड सब बातें हुई। पुलिस की माने तो पीड़ित के सामने भी नारायण से सच उगलवाना आसान नहीं था। शुरू में जब उसने पीड़ित से संबंध की बात मानी तो उसने बलात्कार से इनकार कर दिया। शुरू में ही नारायण साई ने कहा, पीड़ित के साथ उसकी मर्जी से संबंध बनाए थे। पीड़ित को अपनी मीठी बातों में उलझाने की कोशिश भी की। नारायण साई ने उससे कहा, क्या तुम चाहती हो कि मुझे उम्र कैद या फांसी हो जाए? क्या तुम पुरानी सारी बातें भूल गए? लेकिन नारायण की तमाम कोशिशें पीड़ित पर बेअसर साबित हुई। पीड़ित ने उसके मुंह पर कह दिया, मैंने कभी भी अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाए, तुमने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की थी। एक बार दो बार गुस्सा आया था कि वो बोल रहा था सम्मति से हुआ है, तो जैसे सम्मति से हुआ होता तो मैं आज उनके आश्रम में होती। वो जैसे दावा कर रहा था 2 दिन से कि वो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे मन में कोई नफरत नहीं है, तो वो अगले दिन भी उसने बोला था, कल भी ऐसा बोला मेरे सामने, तो कहीं ना कहीं वो मतलब इमोशनली मुझे कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करना चाहता था। पीड़ित के यूं खुलकर कहने पर नारायण साई भी हार गया। आखिरकार उसने कबूल कर ही लिया, हाँ मैंने रेप किया। रिमांड पीरियड के दरमियान उनसे काफ़ी घनिष्ठ पूछताछ हुई है जिसमें उन्होंने काफ़ी खुलासे किए हैं। जो मेन एलिगेशन रेप का है, मोर ऑर लेस ही हैज एक्सेप्टेड इट। पुलिस ने नारायण साई के गुनाहों की कुछ और परतों को उभारने के लिए उसकी पत्नी से भी उसका आमना सामना करवाया। पत्नी के सामने नारायण साई ने कई और चौंकाने वाले खुलासे किए। इसी पूछताछ के दौरान नारायण साई ने माना
कि सूरत की पीड़िता के अलावा कई और लड़कियों से भी उसके संबंध थे। नारायण ने पुलिस को बताया, मेरे 8 और लड़कियों के साथ संबंध थे, कुछ आश्रम में रहती हैं, किसी की शादी हो चुकी है, कुछ आश्रम छोड़ चुकी हैं। नारायण का हर खुलासा पुलिस को सन्न कर देने वाला था। हर उस बात पर मुहर लग रही थी जो अब तक सिर्फ आरोपों के शक्ल में थी। हर तरह के हैं, कभी वो आश्रम में भी थी, अभी बाहर भी है, अभी उनकी आश्रम में नहीं है ऐसा भी है, लेकिन 8-1 लोगों के बारे में उन्होंने ऐसी बात कही। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन है वो 8 लड़कियां, आखिर क्यों वो अब तक सामने नहीं आई, क्या समाज और परिवार के डर से उन्होंने अपना मुंह बंद कर रखा है, या बदनामी का ख्याल उन्हें खाया जा रहा है, या फिर नारायण की धमकियों की वजह से वो चुप हैं, क्योंकि अब तक जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक नारायण के झांसे में आने वाली ज्यादातर लड़कियां गरीब परिवारों की होती थी, उन्हें अपने तिलिस्मी संसार में फांसना नारायण के लिए बेहद आसान होता था, शायद इन्हीं वजहों से अब तक नारायण के करतूतों का भंडाफोड़ नहीं हुआ था। इन खुलासों में पुलिस को तहकीकात का एक नया सिरा मिला है। पुलिस का उन लड़कियों तक पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि हो सकता है नारायण की पाप लीला के कई और राज उन लड़कियों के सीनों में दफन हों। अब तक जो बातें नारायण के करीबी कहते आ रहे हैं उसे भी कबूल लिया नारायण साई ने, और पुलिस का दावा है कि नारायण ने पूछताछ में जमुना से रिश्तों का सच भी मान लिया। ये ऐसा सच था जिसे उसकी पत्नी जान चुकी थी और इसी वजह से वो नारायण से दूर होती गई। सूरत से शैलेश चांपानेरिया की ये रिपोर्ट। जमुना मेरे बेटे की माँ है, जमुना से मेरे रिश्ते रहे हैं, उसका बेटा मेरा बेटा है। जी हाँ, सूरत पुलिस के सामने नारायण ने एक और बड़ा चौंकाने वाला राज खोला है। पुलिस को नारायण की यह हकीकत जमुना की बहन गंगा ने पूछताछ के दौरान बताई थी, हालांकि इस कबूलनामे के दौरान भी उसने झूठ और फरेब की पुलिस को कहानियां सुनाई। गंगा ने पुलिस को बताया था कि उसकी बहन से नारायण ने संबंध बनाए थे और उसका 6 साल का बेटा असल में नारायण का ही बेटा है। नारायण ने उसकी और उसकी बहन जमुना की शादी अपने सेवादारों से करवा दी थी और बेटे के स्कूल सर्टिफिकेट में माँ बाप की जगह उसके और उसके पति का नाम लिखवा दिया था। पुलिस ने नारायण से रिमांड के दौरान पूछताछ के लिए जो सवाल तैयार किए थे उनमें से ये भी एक अहम सवाल था। पुलिस ने नारायण से पूछा था, क्या जमुना का बेटा तुम्हारा बेटा है? पहले 4 दिनों तक तो नारायण इस सवाल पर कभी हाँ और कभी ना करता रहा। फिर नारायण ने पुलिस को कहा, मेरी पत्नी जानकी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन मैं संतान चाहता था, फिर मैंने जानकी देवी से बात की। नारायण की इस कहानी पर पुलिस को विश्वास नहीं था, वो गंगा और नारायण साईं की सच्चाई पहले ही जान चुकी थी, इसकी जांच भी कर चुकी थी। आखिर पुलिस ने इसका भी तोड़ निकाला। 5वें दिन पुलिस ने नारायण साईं और जानकी देवी का आमना सामना करवा दिया। अब नारायण साईं को सच बोलना ही था। नारायण साईं से पुलिस ने जब जानकी देवी का सामना कराया और फिर ये सवाल दोहराया, क्या जमुना का बेटा तुम्हारा बेटा है? नारायण ने पुलिस के सामने फिर झूठी कहानी दोहराई। उसने कहा, मैंने जानकी के कहने पर ही जमुना से औलाद पाने के लिए रिश्ते बनाए, लेकिन पत्नी जानकी देवी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। नहीं, ये सच नहीं है। इतना ही नहीं, जानकी ने पुलिस के सामने एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश किया जिसमें लिखा था कि वो माँ बन सकती है। पुलिस के दोबारा पूछने पर उसने कर ही डाला अपना ये बड़ा कबूलनामा। जमुना मेरे बेटे की माँ है, जमुना से मेरे रिश्ते रहे हैं, उसका बेटा मेरा बेटा है। जो दूसरा एक था कि किसका लड़का है, उसके बारे में भी ही एडमिटेड दैट उनका खुद का लड़का है। नारायण साईं और जानकी देवी में संबंधों में दूरी की सबसे अहम वजह शादी का जमुना ही थी। जानकी को ये पता चल चुका था कि नारायण के संबंध न सिर्फ जमुना से है बल्कि और भी कई लड़कियों के साथ है। नारायण साईं की पत्नी सरकारी गवाह बनकर नारायण साईं के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खुलवाने में मदद कर रही है। नारायण साईं ने 9 महिलाओं से अवैध संबंधों की बात को कबूला है। नारायण के इन्हीं अवैध संबंधों की वजह से नारायण साईं की पत्नी जानकी भी उनसे अलग रहती है। कभी नारायण के करीबी रहे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि नारायण सिर्फ एक साधिका के नहीं बल्कि कुछ और साधिकाओं के बच्चे के भी पिता हैं। और भी कई संतान हैं जो मेरी नॉलेज में है, नारायण की कई और भी संतान है, अवैध संतान। वो समय आने पर उसका खुलासा भी हो जाएगा। और हम ये कहते हैं कि भारत की कोई भी संवैधानिक जांच एजेंसी इस चीज़ की अगर जिम्मेवारी लेती है तो हम नारायण की अवैध संतान का और भी आपको पता बता सकते हैं।
जानकी देवी नारायण से तलाक लेना चाहती थी। 6 साल के बाद आपसी समझौते से अलग होने का दिन भी तय हुआ। वो दिन था 8 अक्टूबर 2013। लेकिन 6 अक्टूबर 2013 को सूरत में 2 बहनों ने नारायण साईं और आसाराम पर बलात्कार का केस दर्ज करा दिया। इसके बाद नारायण साईं फरार हो गया और दोनों के बीच अलग होने की कोशिशें अनसुलझी रह गईं। जानकी देवी भी अब नारायण के यौन दुष्कर्म की एक अहम गवाह बन गई है। साल 2007 में नारायण साईं और उनकी पत्नी जानकी देवी के बीच रिश्तों में कड़वाहट पैदा होने के बावजूद 29 अगस्त को जानकी के पिता की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए आसाराम भोपाल पहुंचे। जिस वक्त आसाराम भोपाल में थे, उससे पहले एक यौन दुष्कर्म के मामले में दिल्ली में उनके खिलाफ FIR हो चुकी थी। जब जोधपुर पुलिस समन लेकर भोपाल पहुंची तो आसाराम चुपचाप इंदौर चले आए और आखिरकार 31 अगस्त को आसाराम को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुष्पेंद्र वेद, इंडिया TV, इंदौर। नारायण साईं पुलिस के घेरे में है, लेकिन फिर भी अपने दांव पे से बाज नहीं आया और खबर है कि नारायण साईं की पत्नी को धमकियां भी मिल रही हैं। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब से जानकी ने पुलिस की पूछताछ में नारायण की करतूतों का सच बताया। आज भी मेरे चित्त में उसके लिए कोई नफरत। चलो चलो चलो, सुना आपने नारायण साईं ने क्या कहा? आज भी मेरे चित्त में उसके लिए कोई नफरत। चलो चलो चलो। सूरत की पीड़ित के बारे में नारायण का ऐसा बयान चकराने वाला है। पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूलने वाला नारायण साईं मीडिया के सामने ऐसे बोल रहा था जैसे गुनाह इसने नहीं पीड़ित ने किया है, उस पर आरोप लगाकर। उसके इस बयान के बाद पुलिस ने बाकायदा उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे सवाल पूछते माइक और कैमरों से दूर किया। सवाल ये है कि नारायण के इस रूप के मायने क्या हैं? क्या वो दुनिया के सामने अब भी ढोंग कर रहा है? क्या वो पुलिस और पीड़ित के सामने रेप की बात मानकर अदालत के सामने मुकरने की तैयारी में है? पुलिस का दावा है कि नारायण ने पीड़ित के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन नारायण के रुख से लगता नहीं कि वो इतनी आसानी से गुनाह को कबूल कर लेगा। सूत्रों के मुताबिक नारायण पर लगे आरोपों को दबाने के लिए वो हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। एक नारायण के कितने चेहरे। नारायण ने पत्नी को दिलवाई धमकी, नारायण पत्नी से करता था मारपीट। 4 दिसंबर को नारायण साईं की पत्नी से एक लड़की मिलने आई थी। उस लड़की ने एक खत नारायण साईं को पत्नी को दिया। इस खत में भेजने वाले ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उसका मजमून धमकी भरा था। उस खत में लिखा था, तुम्हें नारायण के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है, जो बातें तुम जानती हो उसे पुलिस के सामने जाहिर मत करना, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। उसका नाम हम देखने को पहचान की लड़की है, लेकिन नाम उसका नहीं मालूम है। उसने एक लेटर दिया जिसमें इनडायरेक्टली उसको धमकी दी गई है कि अगर कुछ रिवीलेशन करेगी या तो कुछ बोलेगी वो नारायण के बारे में या तो उनके बारे में या उनकी फैमिली के बारे में, तो उनको भाई उनका गुस्सा फेस करना पड़ सकता है, वो लेटर में लिखा हुआ ऐसे। इस खत में नारायण के गुस्से का जिक्र यूं नहीं हुआ। करीब से जानने वाले ये दावा कर रहे हैं कि नारायण अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करता था। नारायण का दूसरी लड़कियों के साथ अवैध संबंध था, वो उसने खुद ने अपनी आंखों के साथ देख लिया, इसीलिए वो अब उसके साथ अवैध अलग रहती है। नारायण ने उसको कई बार मारा भी है, ऐसी जानकी तो खुद बोली रही है। इसके कारण वो नाराज होकर अपने घर चली गई है। नारायण साईं की पत्नी के हवाले एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। पत्नी ने आरोप लगाया है कि नारायण साईं उस पर साधिका जमुना के बेटे को गोद लेने के लिए दबाव बना रहा था। एक बार तो उसके वफादार हनुमान ने जानकी की गोद में बच्चा डालकर उसका फोटो खींचने की कोशिश की थी। एक बार उन्होंने कुछ मेरे ख्याल से 7-8 महीने का या 5 महीने का तभी था, एक बार किधर किसी घर पे जाके इन्होंने ये इसके जो बच्चा है हनुमान ने अपने हाथ में लेके आया, हनुमान ने हाथ में रख के जानकी के हाथ में थमा दिया, सॉरी, और उन्होंने कोशिश की कि वे इसकी फोटो खींचे ताकि दिखाया जाए कि भाई ये बच्चा इसकी सहमति से हुआ है। आरोपों में घिरे नारायण की करतूतें एक एक कर बेपर्दा हो रही हैं। न जाने इस जांच में उसके चेहरे से और कितने नकाब उतरने वाले हैं।